गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर भाजपा द्वारा आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 140 दिव्यांग जनों को वितरित किए ट्राई साइकिल और कृत्रिम अंग उपकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना। बुधवार को दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद गुरुवार को लखनऊ हुए रवाना। सड़क दुर्घटना में भाजपा के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह हुए घायल। लखनऊ के केजीएमसी में चल रहा इलाज। डीआईजी अयोध्या दीपक कुमार ने कहा स्थिति सामान्य। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले दस्तकारों को मुफ्त टूल किट का किया वितरण और उपलब्ध कराया 2-2 लाख का ऋण। कहा अपने अपने हुनर का विकास कर सकेंगे लाभार्थी। आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने वालों पर की ताबड़तोड़ छापेमारी। 400 लीटर अवैध स्प्रिट सहित 946 पीस देसी शराब का ढक्कन, एक रोल नकली QR कोड, एक एक्टिवा स्कूटी किया बरामद। आबकारी निरीक्षक ने कहा 2 लोगों के ऊपर अभियोग दर्ज करके की जा रही कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 21 पीपल के वृक्षों का किया गया पौधरोपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर रोजगार कार्यालय पर कांग्रेसियों ने मनाया बेरोजगारी दिवस, जताया विरोध, बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केक काटकर मनाया जन्मदिन, दीर्घायु होने की कामना। COGRP रत्ना मिश्रा ने गुरुवार को किया GRP थाना रेलवे स्टेशन गोरखपुर का आकस्मिक निरीक्षण। थाने में शस्त्रों के साफ सफाई, आर्म नेशन अभिलेखों के रखरखाव सहित साफ सफाई की चेकिंग के साथ अभिलेखों की प्रविष्टियों की ली जानकारी, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में बृहस्पतिवार को कोरोना के मिले 185 नए संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 13,479। एक्टिव मरीज हुए 1,769। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदस्यों ने केक काटकर मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन, उनके दीर्घायु होने की कामना। युवा कांग्रेस और NSUI के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया गया राष्ट्र विरोधी दिवस। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की मांग। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने किया यज्ञ हवन। सुंदरकांड का पाठ कर उनके दीर्घायु होने की कामना। जिला प्रभारी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की दी शुभकामनाएं।